औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपना चैनल तकड़े आले तमाम नाज़रीन के असें तरफों अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है नाज़रीन जुता जुता तुसा वसे सो खुशबाश सो अल्लाह ताला तुसा सारे की खुश रखे और अल्लाह ताला तुसा के हर जायज़ मकसद कामयाब करे। इस दुआ ना कि अल्लाह ताला असन मकबूजा कश्मीर ने पैन परा मकी आज़ादी नसीब फरमाए और उन्होंने यह भी मदद अता फरमाए। नाज़रीन इस वेल असम मीर पर साहब ना नमाज़े जनाज़ा ही लिया सारे तो पहले असा खराज अकीदत पेश करने अपने कश्मीरी बुजुर्ग रहनुमा कि उन्हें अपनी सारी जिंदगी मकबूजा कश्मीर की आज़ादी वास्ते सर्फ की थी। इंशाल्लाह उन्होंने ख्वाब जरूर पूरा हो सी और इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद हो सी। 92 साल की उम्र में उन्हें वफात पाई है। असा सारे दुआ कर चित्र पढ़ी भी खुसूसन दुआ करने कि अल्लाह ताला ने जान दुनिया जितने मुसलमान और कश्मीरी कौम है सारी अफसरदा वै तो अल्लाह ताला सारे की सबर दे अजीम सदमा बर्दाश्त करने नहीं। इस वाले मीर पर उन्होंने गायबाना नमाज जनाजा हुई नमाज जनाजा दसिया और उस तो बाद डॉक्टर मियाज साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने खैराज का अदा करें। टेंशन में नहीं पा रहा, मैं खुद भी बहुत ही मुख्तसर बात करूं चाहे वो भी बहुत ही मुख्तसर बात करें। मैं तो ये कहूंगा कि आज मिल्लत इस्लामिया कश्मीर यतीम हो फिर हकीकत हमारे हकीकी वालिद से भी ज्यादा पढ़कर आज हमसे जुदा हो और मैं एहतजाज करता हूं मजम्मत जिन्होंने अपनी आखिरी सीधा हमारे फैमिली मेंबर थे फैमिली की तरह हमारी हर हफ्ते हर दस दिन के बाद उनके घर मेरी बात होती थी लेकिन कुछ अर्से दुनिया में हो गए और इस वक्त मकबूजा कश्मीर के अंदर करीब की है। हम चाहते क्यों ना हम चकोटी की तरफ मुजफ्फराबाद की तरफ जो लोग रह रहे हैं वो चकोटी बॉर्डर के करीब जाकर वहां पर उन कश्मीरों को मैसेज दे दें और चकोटी बॉर्डर के साथ नमाज जनाजा पढ़ा। और इसी तरह मेरी राय है कि यहाँ मीरपुर और बिम्बर के जो करीब हमारी जो बॉर्डर लगती है बिम्बर से मैं चाहता हूँ यहाँ से कि लोग कोई निकले बिम्बर साहब कह रहे थे पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया भर में ये अमल दोहराया जा रहा है लेकिन सोचने की बात यह है कि वहाँ क्या हुआ है। अली गिलानी जैसे हीरे हम में से चले गए और अब इस तहरीक को लीड करने के लिए उन जैसे लोग कहाँ से आएंगे और ये मामला कैसे आगे चलेगा। सच्ची बात तो यह है कि दिल भी शर्मिंदा है आंखें भी दम है और कुछ कहने को मैं आप सब शुरका को का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप तहरीक आज़ादी के अजीम रहनुमा को फराज अकीदत पेश करने फराज तहसीन पेश करने यहां जमे हैं और बहुत बड़ी आवाज हक खुद इरादियत की वो मजबूत आवाज जिसने अपनी आंखों में ख्वाब सजानी एक तहरीक का नाम था। सैयद अली शाह गिलानी एक मजबूत आवाज का नाम था। सैयद अली शाह गिलानी के साथ जो हिंदुस्तान की फौज ने जहती की जो बर्बरियत की रात की तारीकी में उनके आज हम लोग बाद उसके लाखों चाहने वाले आज पूरी दुनिया में मौजूद हैं। वो सैयद अली गिलानी का जब इस दुनिया से रुखसत होते हैं तो होता है वो एक उनको न सिर्फ परामोश किया जा सकता है बल्कि मेरे दोस्तों और भाइयों वो सैयद अली गिलानी का तो ये पैगाम था उनके जबान पर तो ये अल्फाज थे कि पाकिस्तान से हमारा क्या रिश्ता है इस्लाम की निस्बत से इस्लाम के ताल्लुक से हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। के ऊपर आज सैयद अली गिलानी हमसे रुखसत हो चुके हैं और मैं इस मौके के ऊपर सिर्फ इतना ही कहूंगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वक्त चूंकि मुकद्दर है तो मैं परवाने
साफ किताब में तख़फ़ीफ़ फरमाइए, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत की क्यारियों में से क्यारियां बनाइए, उनकी कब्र को ठंडा फरमाइए, उनकी कब्र में जन्नत की खिड़कियां खोल दीजिए। या रब्बे करीम, या रहमान रहीम, कश्मीर के अजीम मुजाहिदों की कुर्बानियां कबूल फरमा कर या रब्बे करीम कश्मीर के मुसलमानों को आज़ादी की नेमत अता फरमाइए। सैयद अली गिलानी ने जो ख्वाब देखा, या रब्बे करीम इस मुबारक खून के सदके वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर फरमाइए। दुनिया के तमाम मजलूम मुसलमानों की खसूसी गायबाना मदद फरमाइए, बिलखसूस बिलखसूस हमारे कश्मीरी मुसलमान भाई जो तवील अरसे से जद्दोजहद कर रहे हैं, या रब्बे करीम अपने खास अपने फरिश्ते नाजिल करके उनकी मदद फरमाइए। अल्लाह तआला हर खल्की मुहम्मद व आलि व सहाबी अजमईन बिरहमत के या अरहम अर्राहिमीन। सब हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ लाए, अल्लाह आपका नाम कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी राज नजर है बना है सैयद की अपना जी है तो सने रहनुमा से इन्होंने बारे में तुसा क्या। मैं जरा मैं समझना के अली गिलानी राणा कश्मीर नहीं बल्कि ते उम्मत ए मुस्लिमा एक अजीम लीडर सुन। मैं इसलिए जरा इंडिया नहीं भरपूर मजम्मत कर रहा, मैं इतना कह रहा कि कश्मीरी आजादी हासिल करते रहे सर, इंडिया आखिर टुकड़े टुकड़े हो सी और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि कश्मीरी जी कुर्बानियों और रंग ला सन। मैं फराज पेश कर रहा अली गिलानी साहब की और मैं आना इंडिया जिन्हें जुल्म किते जो जबर किता इसलिए मैं भरपूर मजम्मत कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आजादी और इंशाल्लाह ऐसा आजाद हो ही चले सा। मैं जितने भी वाकिन हूँ उन्होंने मैं हजारे हम तक कर रहा हूँ और यहाँ ला रहा हूँ कि मैं सैयद अली गिलानी की उन्हें की खराज है अकीदत पेश कर रहा हूँ। माई तुरू सलूक है अल्लाह हाफ़िज। हम क्या चाहते हैं? बच्चा बच्चा कट मरेगा कश्मीर सूबा नहीं बनेगा, बच्चा बच्चा कट मरेगा, बच्चा बच्चा कट मरेगा। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, हम क्या चाहते? इंडियन आर्मी हाय हाय, इंडियन आर्मी हाय हाय, इंडियन आर्मी हाय हाय, इंडियन आर्मी हाय। शोहदाए दरीन मीरपुर स्टेडियम विच असा तुसा की नमाज दे जनाजा दथिया गायबाना सैयद अली गिलानी हुर्रियत रहनुमा असाने बुजुर्ग कश्मीरी रहनुमा जेडे के पर्दा फरमाई चुके हैं। असा उन्होंने लवाहकीन हजारे हमदर्दी करने और पूरी अपनी कश्मीरी कौम नाल और सारे जितने आलमे इस्लाम है सारे नाल एक आलमे इस्लाम ने बहुत बड़े लीडर से उन्हें आप मकबूजा कश्मीरी आज़ादी वास्ता बड़ी जदोजहद की। इंशाल्लाह अज असा वादा करने हैं कि उन्होंने दिते ख्वाब की इंशाल्लाह पूरा कर सा और जड़ा उन्हें रस्ता दसिया असा ने कश्मीरी कौम उस रस्ते पर चलने आया आज़ादी नी नेमत हासिल कर सौ। इस कैमरामैन इसरार अबना न्यूज़ रिपोर्टर मोहम्मद इनाम लाते समीद हैं कि सुन की अपनी दुआई याद रख सो अगर जिंदा रहे ना रहे तमाम याद रखे। अल्लाह ताला सन मुल्क पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर की कायम दायम रखा है, दुश्मन शहत महफूज रखा है। अल्लाह ताला सन आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान की तरक्की दा मकबूजा कश्मीर ने बहन भावों की आज़ादी नसीब फरमाया। इस दुआ ना कि अल्लाह ताला
असन बुजुर्ग रहनुमा की जन्नत फिरदौस से आला मकाम अता फरमाया और असा की उन्होंने नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाया। इस उम्मीद ना कि इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जिस वक्त असा ना कश्मीर आज़ाद हो से और असा ने बुजुर्ग रहनुमा सैयद अली गिलानी साहब ना ख्वाब पूरा हो से। इस ना सबसे को इजाजत चाहे पाकिस्तान जिंदाबाद आज़ाद कश्मीर पाइंदाबाद असलामुअलैकुम अल्लाह।